चीन ने लद्दाख में बॉर्डर के पास कैसे अपना साजो सामान जुटाया है उसकी एक झलक 27 मई की इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखी जा सकती है। प्लैनेट लैब्स की ये तस्वीरें पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे की है। जी हाँ, वही इलाका जहां पर इन दिनों भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। एलएसी के पास इस झील के उत्तरी किनारे पर 8 पहाड़ियां हैं जो झील में उंगलियों जैसी मिलती हैं। आर्मी इन्हें 8 फिंगर्स कहती है। भारत की सीमा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन दावा कर रहा है कि फिंगर 4 तक उसकी सीमा है। फिंगर 4 और 8 के बीच ही ताजा तनाव है। यहीं पर दोनों देशों की सेनाएं लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। सैटेलाइट फोटोज दिखाती हैं कि चीन ने झील के किनारे टेंट लगाए हैं और कई स्ट्रक्चर भी खड़े कर दिए हैं। पैंगोंग झील के किनारे फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच टेंट जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। यह तनाव का मेन पॉइंट है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि झील के किनारे पहाड़ियों की तलहटी में कई कैंप नजर आ रहे हैं। उत्तरी किनारे पर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के इलाके को भारत अपना मानता है। चीन फिंगर 4 को एलएसी होने का दावा करता है। 27 मई की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन ने फिंगर 4 तक टेंट गाड़ दिए हैं। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि 27 मई के बाद चीन ने टेंट हटाए हैं या नहीं। चीन ने भारत के इलाके में घुसपैठ की है। पैंगोंग झील पर सेना की बटालियन के 2015 से 2017 के बीच कमांडर रहे कर्नल एस डिन्नी का कहना है कि यह स्ट्रक्चर पहले वहां नहीं था। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि चीन ने पहले भी इस इलाके में टेंट लगाए हैं, लेकिन इस पैमाने पर कभी नहीं लगाए। कुछ दिन पहले तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में चीनी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, जिनसे यह साफ हुआ था कि चीन ने एलएसी के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले महीने की शुरुआत में बॉर्डर पर तनाव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद भारत ने यह फैसला किया कि पैंगोंग शो, गलवान वैली, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी जैसी सभी विवादित जगहों पर चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय सैनिक मजबूत रुख अपनाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने पैंगोंग शो और गलवान वैली में करीब 2500 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा वह धीरे धीरे अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के जमावड़े को बढ़ा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।